कानपुर के नवस्था थाना क्षेत्र के ब्लॉक में तमंचा लगाकर मोबाइल लूटने का एक मामला सामने आया है। बाइक सवार दो लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम देकर नए थाना प्रभारी को खुलेआम चुनौती दी है। लूट के बाद लुटेरे सरेआम फरार हो गए। एक ही इलाके में हफ्ते भर में ये लूट की तीसरी घटना है। लूट की इस घटना से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। इलाके के बीजेपी पार्षद ने पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। सर हमारे पास यहाँ चौराहे पे हम इधर जा रहे थे चाय लेने और इधर से बाइक से आए दो लोग और हाथ में मोबाइल था, मोबाइल पकड़े और तमंचा दिखा के वो मतलब भाग गए। अच्छा उनके हाथ में तमंचा था? जी जी। तो उन्होंने दिखाया? हाँ उन्होंने दिखाया। क्या क्या लूटा है? मोबाइल मोबाइल। कितने लोग थे? दो लोग। पुलिस से शिकायत किया आपने? पुलिस से शिकायत हमने किया है, अभी पुलिस आई है और पुलिस को सारी घटना हमने बताई है कि ये हुआ हमारे साथ। क्या करते हैं? हमारा सैलून का काम है सर, के ब्लॉक में हमारी दुकान है। लड़के को हमने चाय के लिए भेजा था, लड़के ने आया और वो जा रहा था, मोबाइल उन्होंने उसके हाथ से ले लिया। अतल जी क्या घटना हुई है आपके क्षेत्र में? मैं अपने घर पे था तो मुझको फ़ोन पर सूचना मिली कि बच्चे पीछे सैलून की इनकी दुकान है, चाय लेने के लिए जा रहे थे तो मोबाइल लिए हुए थे। पहले उन्होंने मोबाइल छीना तो पहले उन्होंने देने की सीटा उठी हुई तो नहीं देना चाह रहा, फिर कट्टा लगा दिया उन्होंने, दूसरा मोबाइल दे दिया। अच्छा आपके क्षेत्र में क्या कारण है कि लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं? हमें लगता है कि पुलिस की निष्ठा है, मतलब पुलिस इस समय इतना घूमने के बाद भी अगर ऐसे कांड हो रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है। अब बहुत हमारे घर के मेरे बहन बहनें और घर से औरतें निकलने में अब डर रही हैं, ये स्थिति आ गई है मेरे वार्ड की।